परीक्षा में पास होना है तो ये सब कुफरात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने लिए, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे चार पन्नों में लिखने की जरूरत क्या है? वही मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको चार पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो और चार पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में चार पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है उल्टी बात या नहीं? एक बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, पर इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं।